कैलाश पर्वत पर भगवान शिव व पार्वती विराजमान हैं। भगवान शिव ध्यान में लीन हैं और पार्वती उनकी सेवा में रत हैं। अचानक भगवान शिव को महाराज की दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। देवी, ये दिव्य ध्वनि कैसी? ये इतना मनमोहक मधुर संगीत कैसा? प्रभु, ये वृंदावन में हो रहे महाराज का संगीत है। महाराज, मुझे भी वहाँ जाना है। मैं इस दिव्य नृत्य को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ और महाराज का अंग बनना चाहता हूँ। आह, कितना अद्भुत है। पर प्रभु, आप वहाँ नहीं जा सकते। भला ऐसा क्यों? प्रभु, महाराज में केवल गोपियाँ और कृष्ण ही सम्मिलित हो सकते हैं। किसी भी अन्य पुरुष का वहाँ जाना तो संभव ही नहीं है। देवी पार्वती, मुझे भी वहाँ जाना है। मुझे लेके चलो ना वहाँ। प्रभु, ये संभव नहीं है। वहाँ केवल गोपियों का ही प्रवेश है। कृपया मेरी बात समझने का प्रयास करें। पर पार्वती, मुझे वहाँ जाना ही है। लेकिन प्रभु, ठीक है, यदि आपका निर्णय अटल है तो फिर आपको गोपी बनना होगा। गोपी? ठीक है, जो तुम बनाओगी बन जाऊंगा। गोपी बनना होगा, ऐसे ही ना बन जाते गोपी। पूरा श्रृंगार करना होगा। काजल, बिंदी, लाली, चूड़ी, पायल, इन सब के लिए तैयार है ना? ठीक है, जो भी करना है शीघ्र करो, कहीं देर ना हो जाए। प्रभु, ये आपके गले के मुंडमाल, ये सर, इन्हें तो हटाइए। भला ऐसी कौन सी गोपी होती है जिनके गले में मुंडमाल और सर्प लिपटे होते हैं? आप ही बताइए। देवी, ये आप ही जाने, मुझे तो बस महाराज में जाना है। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। माता पार्वती भगवान शिव को गोपी रूप में तैयार कर रही है। वृंदावन के निधि वन में शरद पूर्णिमा से जो रास चल रहा है उसमें शामिल हो गए हैं। महाराज का ये अद्भुत नृत्य आप ही देखिए। राशि रचो है, राशि रचो है।
Yeah.